स्टूडेंट जगदीश और साथियों, मैं अपना पहले परिचय दे देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मैं अशोक अग्रवाल हूं मेरा नाम, और मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। अभी हमारे एक साथी ने बोला कि यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर ये सब एकजुट होकर काम करें तो खुद में बहुत बड़ा एक नक्शा बदला जा सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। मुझे ध्यान है 2001 के अंदर, जब इधर इलाकों में बहुत सारी झुग्गियाँ टूटी थी इधर उधर, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, रिहैबिलिटेट हुए थे, तो उस वक्त एक समस्या थी कि जो बच्चे यहाँ आए, मतलब उनको बदरपुर के स्कूल दाखिले ही नहीं दे रहे थे। सैकड़ों की तादाद में वो बच्चे थे, तो मैंने उस मामले को हाईकोर्ट में उठाया और हाईकोर्ट से ऑर्डर लिया कि आप एक भी बच्चे को मना नहीं करेंगे। तो बहुत सारे करेंगे, जो भी बच्चे दाखिला लेना चाहते थे सबको दाखिला मिला। मुझे याद है अभी 2-4-5 साल पहले मैं जब एक आपके बदरपुर में कहीं इलाके में था, तो एक अच्छी खासी यंग सी लड़की थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप मुझे पहचाने नहीं, आपने मुझे 5वीं क्लास में एडमिशन कराया था। तो कहने का मकसद यह है शॉर्ट में कि एक शिक्षा एक ऐसा मामला है, शिक्षा, स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा, जिसमें आप सब लोगों को जोड़ सकते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं होता। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कोई विवाद नहीं होता, क्योंकि हर एक बच्चे को शिक्षा चाहिए, हर एक माँ बाप सोचता है। मैं अक्सर कहता हूं कि माँ बाप अगर गरीब हैं या अमीर हैं, अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, हर एक यही चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में शिक्षा ले, हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट। तो ये एक ऐसा मुद्दा है शिक्षा का जिसमें हम सब लोगों को जोड़ सकते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास है चाहे अपर मिडिल क्लास है, उनकी भी प्रॉब्लम है। अब अगर देखें, हम शिक्षा को देखें, स्कूली शिक्षा को देखें, तो इसमें एक तो वो है जो प्राइवेट स्कूल में फीस देते हैं, ठीक है, एक हमारे EWS बच्चे आजकल प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, तीसरा वो जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे MCD में पढ़ते हैं, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, और चौथे हमारे वो बच्चे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते हैं। तो अगर हम इन सब लोगों को जोड़े तो शायद कोई परिवार बचेगा नहीं। ये एक बहुत ही एक ऐसा कॉमन इश्यू है, और हालत खराब है, सरकारी स्कूलों के भी हालत खराब है। अभी कल परसों उन्होंने टीचर्स की, सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कितनी भर्ती होनी है उसके बारे में हर साल ये डिसाइड किया जाता है कि टीचर के कितने भर्ती, अभी उन्होंने बहुत सारे टीचरों की भर्ती ही कैंसिल कर दी है, मतलब टीचर की स्ट्रेंथ ही कम कर दी है, ये दिखाने के लिए कि जो बच्चे आज स्कूल के अंदर हैं और जो टीचर हैं हमारे पास, आज कम से कम 20-22 हजार टीचरों की दिल्ली सरकार के स्कूलों में कमी है। अब ये दिखा देंगे कि हमने तो पोस्टें खत्म कर दी है, इसलिए जो बच्चों की और टीचर की जो रेशियो है ना वो बिल्कुल ठीक है, कानून के हिसाब से जो होनी चाहिए 1:30 या 1:40 होनी चाहिए वो हो जाएगी, लेकिन आप तो एक तरीके से धोखा ही दे रहे हैं समाज को। तो MCD स्कूल अब आम आदमी पार्टी की सरकार में आ गए हैं, देखते हैं कि क्या उसमें डेवलपमेंट करते हैं, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि MCD की हालत तो बहुत ही खराब रही है, टीचर वहाँ पढ़ाते ही नहीं है, मेरे पास आगे टीचर बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ाते हैं उनको, और दिल्ली सरकार में भी पढ़ाई के नाम पर जो है ना ड्रामेबाजी ज़्यादा है, बच्चे स्कूल से 12वीं पास करके निकल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को अपना नाम नहीं लिखना था, पर आज भी ये हालत है, मतलब आज भी ये हालत है, और ये बड़ी, तो हमें मतलब हम ये चाहते हैं कि हम उन सब बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ जो है कॉन्टैक्ट में आए, हर एक को पता हो कि जरा सा भी उनके स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती है या किसी को दाखिले में दिक्कत होती है तो हमारे साथियों के साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भी
समय समय पर जो है उनके घरों में जाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर हम लोग जाएंगे घरों में तो मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें शिक्षा को लेकर कोई समस्या नहीं होगी, और अगर समस्या है तो उसका इलाज भी करना है हमको मिलकर। और एक और चीज आपको बताता हूं कि शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा है देश के अंदर कि जब भी आप इस मामले को उठाएंगे ना, इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। तो आपका जो अक्सर क्या होता है कि हम लोग बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, निकलता नहीं कुछ तो हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मैंने देखा है कि आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो चार कदम लंबा जो है ना काम होगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो है एक हौसला बढ़ेगा और लोगों के साथ हमारा एक कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, एक विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि आज हम देखते हैं पूरे देश में और खासकर गरीब जनता के साथ, गरीब जनता का किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा है। और वो सही है, वो इसलिए है कि हर एक आदमी जो भी आया, चाहे वो एनजीओ की शक्ल में आया, चाहे वो पॉलिटिशियन की शक्ल में आया, चाहे और किसी शक्ल में आया, उसने हमेशा गरीब लोगों को लूटा है। इसलिए कोई भी उनके पास जाता है उनको लगता है कि ये लूट ले ही आया है मुझको। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, लोगों का विश्वास जीतना। और विश्वास तब जीता जाता है जब हम ईमानदारी के साथ उनके साथ खड़े होंगे और हमारे काम से कुछ मिलेगा उनको। अगर एक बच्चा है जिसको स्कूल प्रिंसिपल मना कर देता है दाखिले के लिए, और आप जब उस बच्चे को लेकर स्कूल में जाते हैं और आपके जाने से स्कूल में दाखिला हो जाता है, तो पूरा एक संदेश जाता है, सिर्फ उसके घर में नहीं आता, उसके पूरे खानदान में संदेश जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल में फीस देने वाले पेरेंट है, अब उनको भी लूट रहे हैं फीस। सरकारी स्कूलों में वो भेजते नहीं है क्योंकि वो खुश नहीं है सरकारी स्कूल के ढांचे से, वो भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में, और फिर प्राइवेट स्कूल वाले उनको लूटते हैं, तो वहां भी वो चिल्लाते हैं है? और जो बहुत सारे बच्चे हमारे, आप देखेंगे अब बदरपुर के एरिया में भी देखेंगे तो मुझे लगता है सैकड़ों सैकड़ों बच्चे होंगे जो स्कूल में नहीं जाते, या छठी में, सातवीं में, दसवीं में, बारहवीं में ड्रॉप हो जाते हैं किसी भी वजह से। क्यों हो जाते हैं? हमारे होते हुए अगर बच्चे बारहवीं तक भी नहीं पढ़ते तो हम सबके लिए शर्म की बात है, सबकी शर्म की बात है, क्यों ड्रॉप हो जाता है वो। तो इसलिए ये जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते उनको हम स्कूल लाने की कोशिश करें, जो प्राइवेट स्कूल में फीस को लेकर लोग लड़ रहे हैं उनके साथ भी हम खड़े हों, सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चों के साथ पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि वहां तो पढ़ने जाते हैं ना और पढ़ाई नहीं होती, तो उनकी जो समस्या है वो भी हम उठाएं। तो अगर हम ये उठाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद शहर का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपके साथ और हमारे साथ संपर्क में नहीं हो, और वही संपर्क ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है अब गाड़ी को आगे चलाने के लिए। दूसरा मुद्दा जो है वो है हेल्थ का। अभी हमारे बहन बता रही थी कॉमरेड की प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर 10% IPD और 25% OPD फ्री होता है। अभी एक महीने पहले ही हमने एक दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस जीता, उसके अंदर राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है रोहिणी के अंदर, और वो 20 साल से इलाज नहीं दे रहा था, मतलब उनको जमीन मिली हुई थी फ्री लेकिन 20 साल से वो नहीं, और 20 साल से हम लड़ रहे थे उसके खिलाफ। तो अभी फरवरी में फिर ऑर्डर हुआ कि 1 मार्च से वो देगा, और जब 1 मार्च से शुरू हुआ तो वो पता लगा कि 50 बिस्तर जो है वो कैंसर पेशेंट्स को, गरीब कैंसर पेशेंट्स को मिलेंगे, और आज उसमें कम से कम 37 या 38 कैंसर पेशेंट दाखिल है उन बेडों के ऊपर एक महीने के अंदर ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हेल्थ के मामले में भी जो जिनके पास पैसे होते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि जिनके पास पैसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां 5 लाख का एक इंश्योरेंस ले लिया आपने, मेडिकल इंश्योरेंस, और आप जैसे ही कोई परेशानी हुई आप तुरंत एकदम मैक्स हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल चले, क्योंकि 5 लाख सोच भी नहीं सकता कि 5 लाख पूरा खर्चा होगा। गए डॉक्टर ने कहा इसको ICU में ले लो पेशेंट को, 2 दिन के बाद बोल दिया इसको वेंटिलेटर में डाल दो। तो 5 दिन अगर वो रहा तो आपके 5 लाख रुपए खत्म। अब बंदा आपका वेंटिलेटर के ऊपर है, उसको आप रिमूव भी नहीं कर सकते कहीं आसानी से, और आपका 5 लाख के बाद जो बिल 1 लाख रोज आपका बिल बनेगा, तो आपका तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा ना ऊपर, और खींचातानी होती है, वो बदतमीजी करते हैं पेशेंट्स के रिलेटिव से, कहते हैं ले जाओ नहीं तो बंद कर देंगे, वेंटिलेटर की तार खींच देंगे, तो
वो भी परेशान है। मैं मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो दो मुद्दे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। और ये ऐसे मुद्दे हैं जगह हम लोगों के साथ संपर्क करें, लोगों के साथ लड़े खड़े होकर, और इनमें रिजल्ट भी निकलता है, ऐसा नहीं है, इसमें रिजल्ट भी निकलता है। अगर कोई हालत खराब है आप कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी जाकर डिमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, इन सबका असर होता है। तो मुझे लगता है ये मुद्दे एक ऐसे हैं जहां हम लोगों को जोड़ें, और जोड़ेंगे तो फिर आज अगर हमारे दूसरे जो स्कूलों में जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स हैं, यंग लोग हैं, वो लोग भी यहां अगर होते तो एक अच्छा और डिस्कशन होता ना। तो मुझे लगता है और भी बहुत सारे मुद्दे, मैं उन पर नहीं जा रहा, मिनिमम वेज भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन मैं खासकर दो ही बातों पे, कि शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जिससे हम जनता का एक भी व्यक्ति छूटेगा नहीं उससे अगर हम लेकर चलेंगे, और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इसमें कोई जनरली राजनीति भी नहीं मिलेगी आपको, वो कहेगा जी नहीं जी ये तो इसकी तो वर्दी से पता लग रहा है ये कौन सी क्या है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक की जरूरत है, और हमें ये मुझे लगता है, और ये जो आज हमारा जन सुनवाई है इसमें काफी लोगों ने, अच्छा लगा मुझे कि सब लोगों को कॉमरेड जगदीश ने बुला बुला के जो है बोलने को मजबूर किया, ये बहुत जरूरी है। हर एक आदमी चाहे दो लाइन ही बोले, दो मिनट ही बोले, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है। तो जन सुनवाई के अंदर बहुत सारे मुद्दे निकले, और जैसे 5 अप्रैल को जंतर मंतर में भी तैयारी हो रही है, वो भी आपके साथ सामने रखा गया। तो हम अगर ऐसे चलेंगे तो मुझे लगता है हम दूर तक जो है चल सकते हैं, है ना, हमारे में भी निराशा नहीं रहेगी, और जो हम मकसद सोचते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ कदम जो है ना हम बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।